गुड आफ्टरनून मिस कल्पना कुमारी, फैकल्टी ऑफ अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, सब्जेक्टिव टीचर ऑफ ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजिस्ट एंड फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग. थैंक यू मैम फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी टू टेक एन इंटरव्यू. बिफोर दिस स्टार्टिंग द इंटरव्यू मैम, वुड यू लाइक टू टेल फ्यू वर्ड्स अबाउट योर सेल्फ? यस, आई एम कल्पना कुमारी फ्रॉम सहरसा बिहार. आई हैव कम्प्लीटेड माई बी एस सी नर्सिंग फ्रॉम YVL University Ranchi. Then I have completed my internship from Sri Ram Krishna Institute of Medical Science. Then I have also the experience of Department of ICU and NICU. And also मैंने COVID में काम किया है और तो मुझे इन सब चीज़ों का, मुझे ICU का, NICU का और COVID का experience है, जिसे मैं अपने nursing के क्षेत्र में use करके अपने छात्राओं को और अच्छे से अच्छा करने का ज्ञान देती हूँ. थैंक यू मैम. माय फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, बीइंग द फैकल्टी ऑफ अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, व्हाट आर योर रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स द स्टूडेंट? आई हैव मेनी रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी. स्टूडेंट्स के लिए हम लोग के पास बहुत ज़्यादा रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी है. हमारा काम ये नहीं है कि जो किस लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में स्टूडेंट्स को पढ़ाए. हमारा रोल ये है कि बच्चा किस लैंग्वेज में समझ सके, ठीक है. और किस लैंग्वेज के अलावा हम ये भी बता सकते हैं कि जो अभी हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जो करके आए, मतलब जो हमारे पास क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, जैसे कि अभी हमने बताया कि हमारे पास कोविड का, आईसीयू का, एनआईसीयू का एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को हम अपने बच्चों के स्टडी में भी शामिल करें, उसको समझाएं, उसको प्रैक्टिकल हम लोग नॉलेज दें, नॉलेज प्रोवाइड करें, ऐसा एग्जाम्पल दे के हम बताएं हॉस्पिटल का, जिसको वो अच्छे से समझ सके, समझ पाए, अपने स्टडी को और अच्छे से अच्छा कर सके. ओके मैम, What do you do to help your student to cope up with the competition, because the competition in outside is very high? Yes, तो हम लोग अपने students को ऐसे, मतलब ऐसे पढ़ाते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि वो हर एक कंपटीशन के लिए खुद से वो रेडी हो सके. हम लोग उसे एक्स्ट्रा, जैसे कि हम लोग का स्टडी आवर होता है, उसमें हम लोग को एक एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, एक एक्स्ट्रा डाउट क्लास होते हैं हम लोग का, जिसमें किसी भी स्टूडेंट को अगर किसी भी चीज़ में डाउट है तो वो हमसे डायरेक्ट आके कम्युनिकेट करते हैं. हम फैकल्टीज उसके डाउट को क्लियर करते हैं और उसे समझाते हैं कि हम लोग को आगे चल के कैसे कॉम्पिटिशन लेवल के लिए पढ़ना है और आगे करना है कुछ अच्छा. ओके मैम, डू यू हैव एनी एक्स्ट्रा करिकुलम प्रोग्राम्स, एक्टिविटी टू एनहेंस द स्किल ऑफ स्टूडेंट्स? यस, हमारे कॉलेज में बहुत सारे प्रोग्राम रखे जाते हैं, जैसे अभी हाल ही में 7th ऑफ अप्रैल को हमारा WHO प्रोग्राम होने वाला है, ठीक है. तो यहाँ पे बहुत सारा जैसे वुमेंस डे सेलिब्रेट हुआ था, नर्सेज डे सेलिब्रेट होता है, तो यहाँ पे बहुत सारा ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है जिससे कि स्टूडेंट्स का मन लगा रहे और वो लोग थोड़े एक्टिव रह सके. ओके मैम, मैम व्हाट आर द चैलेंजेस यू फेस्ड टू अपलिफ्ट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन टू योर डिपार्टमेंट? यस, हम लोग को बहुत सारा ऐसा चैलेंजेस फेस करना पड़ गया है अपने, जब हम लोग बीएससी नर्सिंग कर रहे थे तो उस टाइम बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसा होता था, क्रिएट होता था. हम लोग के पास प्रॉपर बुक नहीं थे, प्रॉपर मटेरियल नहीं था जिससे हम लोग पढ़ सके, और हम लोग के पास ऐसा, मतलब अम्बेडकर इंस्टीट्यूट जैसा इंस्टीट्यूट नहीं था जहाँ पर हम लोग को एक एक्स्ट्रा मतलब डाउट के लिए कोई क्लास रखा जाए, या फिर अच्छे से लाइब्रेरी का यहाँ पर जैसे ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे नहीं था. पर यहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा, मतलब स्टूडेंट्स के बेनिफिट्स को देखते हुए ये इंस्टीट्यूट को बनाया गया, और यहाँ पे बहुत सारा फैसिलिटीज़ है जो स्टूडेंट्स यूज़ करके अपने अपने आगे के भविष्य के बारे में सोच सकते हैं. ओके, एट लास्ट व्हाट वैल्यूएबल एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू द स्टूडेंट फॉर देयर प्रॉस्पेरियस करियर? हम लोग का एडवाइस यही होता है कि हम लोग स्टूडेंट्स को इनकरेज करते हैं कि आप अपने लाइफ में ऐसा क्या करोगे जिससे आप आगे बढ़ सके. हम लोग का काम है स्टडी, मतलब हम लोग का काम है कि एजुकेशन प्रोवाइड करवाना स्टूडेंट्स को, और उसके साथ साथ हम लोग एक सामाजिक ज्ञान भी देते हैं कि हम लोग का ऐसा बिहेवियर क्या रहेगा जिससे हम लोग समाज में आगे बढ़ सकते हैं, फिर अपने लाइफ में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं. हम लोग का मेन मोटिव यही होता है कि स्टूडेंट्स को हम लोग बताएं कि आगे आप लोग अच्छा करने के लिए आप लोग को अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, है ना, हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा. ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड एक्सपीरियंसेस.